हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखी तो आप एक प्यारा सा डिजाइन मिस कर दोगे। अगर आप ये बेहद प्यारा सा डिजाइन देखना चाहते हो तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिजाइन। डिजाइन के लिए हमने लिया है फैब्रिक का प्रिंटेड पीस, जिसकी चौड़ाई हमने 11 और लंबाई हमने 10 इंच तक ली है। ये नेक डिजाइन हम कुर्ती के ऊपर बनाने वाले हैं। इस फैब्रिक के नीचे हमने प्रेस से पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। इसके हम ऊपर वाली साइड को छोड़कर तीन साइड को किनारे किनारे में फोल्ड कर देंगे। इसकी तीनों साइड को फोल्ड करके हमें अच्छे से सिलाई को लगाना है। ये नेक डिजाइन हम अपनी कुर्ती के ऊपर बना रहे हैं। आप इसको फ्रॉक के ऊपर भी बना सकते हो, बस आपको इस डिजाइन को अच्छे से समझना है। इसके बाद हमने एक रेप पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है, और इसको डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा रहे हैं, जिसकी हम डोरी निकालेंगे। यहाँ पे आपको जितनी बारीक डोरी निकालनी है आप उतने हिसाब से सिलाई को लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। डोरी के बीच सुई को 2-3 बार निकालकर सुई की उल्टी साइड को डोरी के बीच में सरका देंगे और दूसरी साइड में सुई को निकाल लेंगे और धागे से डोरी को अंदर वाली साइड में खींचेंगे, जिससे कि हमारी डोरी निकलना शुरू हो जाएगी। आपको वीडियो में देखकर समझ में आ ही रहा होगा। ये देखिए हमारी डोरी निकल रही है। आप रेडीमेड डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और डोरी में से 2-2 इंच के पीस कट कर लेंगे। ये पीस हमने 6 लिए हैं। इसके बाद जो हमने पैटर्न रेडी किया था उसको डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे और निशान भी लगा लेंगे। इसकी पेस्टिंग वाली साइड में हम अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। हमें गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है, यानी कि 7 इंच। इसको हम नीचे की साइड में भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी लंबाई भी 7 इंच ली है। 1/2 इंच हमारा मार्जिन की तरफ आ जाएगा तो हमारा गला 6.5 इंच तैयार हो जाएगा। इन निशानों को अच्छी तरह से मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और इसके लेफ्ट वाली साइड में हमने जो लंबाई का निशान लगाया है उससे एक एक पैर की दूरी पे हम एक और निशान को लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन रखकर सीधी लाइन लगा लेंगे। और जहाँ पे हमारा कॉर्नर बन गया है इसको हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये चीज आपको ध्यान से समझने वाली है। इसी शेप में आपको सिलाई को लगाना है और इसके बाद जो हमने एक एक पैर की सिलाई का निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हम इंची टेप का दबाव डालकर बैक वाली साइड में निशान लगा लेंगे। बस आपको इसी लंबाई वाले निशान को ड्रॉ करना है और किसी को ड्रॉ नहीं करना है। अब इसके बाद जो हमने डोरी के पीस कट किए थे उसका हम लूप बनाकर इसके ऊपर लगाएंगे। डोरी के पीस को बीच में से फोल्ड करके हम निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी दूरी पर हम एक और लूप को लगाएंगे। लूप के बीच में हमने 1-1 इंच का मार्जिन रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग 5 या 6 लूप को लगा सकते हो। हमने टोटल 6 लूप को लगाया है और लास्ट वाले लूप को लगाते हुए हम सिलाई को पक्का कर देंगे। अब इस पैटर्न को हम कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। कुर्ती का हमने सेंटर कर लिया है, उसके ऊपर हमने इस पैटर्न को रख दिया है और पूरे सेंटर में लगा के हमने पिनअप कर लिया है ताकि हमारा नेक पूरे सेंटर में लगे। और जहाँ पे हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। पहले आपको सीधी सिलाई लगाना है और नीचे वाली साइड में आपको छोटा सा बॉक्स बना लेना है और एक एक पैर की दूरी पे आपको फिर से एक लाइन को लगाना है और गोलाई के शेप देते हुए सीधी सिलाई को ले जाना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस सिलाई को कैसे लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद आपको इसको एक एक पैर का मार्जिन रख के इसको बीच में से कट कर देना है और नीचे आपको दोनों कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से कट करना है ताकि आप सिलाई को काट ना दें और ऊपर भी कॉर्नर में एक कट लगा देंगे ताकि ये दूसरी साइड में आसानी से फोल्ड हो जाए। इसको पीछे वाली साइड में अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और गोलाई वाले कॉर्नर को भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी किनारे किनारे पे हम एक सिलाई को लगाएंगे। और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो याद से बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम लोग शाम को 6 बजे डेली वीडियो अपलोड करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से शर्ट कॉलर नेक डिजाइन बनाया था। अगर आपको वो नेक डिजाइन देखना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो लीजिए सिलाई हमारी लग चुकी है। इसकी बैक साइड में हम तिरपाई कर देंगे। इस पैटर्न को हम आगे वाली साइड में फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। आपको इस सिलाई को पूरे ध्यान से लगाना है। ये हमारा साइड वाला डिजाइन बन जाएगा। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह से रेडी होगा और इसकी एक साइड में हम बटन लगाने के लिए निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के अकॉर्डिंग बटन का कलर ले सकते हो। ये देखिए हम कुछ इस तरह से बटन को लगाएंगे। सबसे पहले हमने सुई को निकाल लेना है और बटन के बीच में सुई को 2-3 बार निकालकर इसको अच्छी तरह से पक्का करके टांका लगा देना है।
इसी तरह आपको सारे बटन को अच्छी तरह से लगाना है। बहुत ही ज्यादा प्यारा सा हमारा नेक डिजाइन बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको सच में ये नेक डिजाइन खूबसूरत लगा तो कमेंट में जरूर बताना। देखा ना आपने कितना सुंदर नेक डिजाइन है। अगर आप वीडियो को नहीं देखते तो इतना प्यारा सा नेक डिजाइन आप मिस कर देते। अब आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करना। जाते जाते जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। अगर आपको मेरी कॉलर नेक डिजाइन वाली पिछली वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अगर नेक डिजाइन से और रिलेटेड वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें।